हेलो दोस्तों, तो ये है मेरे साथ में हीरो एक्सट्रीम 125R। और इस बाइक के बारे में ना मैं कुछ खास चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। कुछ ऐसे रीजंस जो परचेस करने के लिए वैलिड रहेंगे। अगर आप भारतीय बाजार के अंदर 125 सीसी की बाइक लेने जाते हो और ऑप्शन आपके माइंड में आता है कि मैं हीरो की एक्सट्रीम 125R लूंगा, तो वो पांच रीजन कौन से होने चाहिए। तो मैं टोटल पांच रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वो रीजंस कौन से होने चाहिए ऐसा माइंड में जरूर आएगा, तो मैं उन रीजंस के बारे में बात करने वाला हूँ। रीजंस टू बाय के आपको क्या कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बाइक की तरफ जाना चाहिए, कि आपको इस बाइक के अंदर क्या रीजंस हैं जो आप इस बाइक को परचेज करें, उन्हीं चीजों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में। और अगर आप भी लेना चाहते हो हीरो की एक्सट्रीम 125R, तो ये वीडियो आपके ज्यादा काफी काम का होने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप कोई सा भी क्वेश्चन या फिर मेरी कोई एक जानकारी मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हीरो की एक्सट्रीम 125R है। इसमें मिलेगा आपको 125 सीसी का एक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन, BS6 फेज 2 होगा। और यहाँ पर आपको 5 स्पीड गेयरबॉक्स मिलेंगे जो जनरेट करेगा 11.4 PS की पावर, 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। फ्रंट में आपको डिस्क देखने के लिए मिल जाता है, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है, और यहाँ पर आपको काफी अच्छी स्पेस क्वालिटी देखने के लिए मिलती है। तो मेन रीजन जो इस बाइक को खरीदने का बनता है, सबसे पहला जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन है, वो ये है बाइक के लुक्स के। हाँ, ये बाइक 125 सीसी के हिसाब से ऐसे लुक्स ऑफर करती है, तो रोड प्रेजेंस पे बहुत ज्यादा कमाल के लगते हैं। मतलब कि लोगों का ना ध्यान अपनी तरफ बिल्कुल आकर्षित कर लेते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है, नो डाउट काफी अच्छी चीज है। और दूसरे रीजन की अगर मैं बात करूँ, तो दूसरा रीजन है ब्रेकिंग। कंपनी ने पहली बार, हीरो कंपनी ने पहली बार किसी बाइक में, मतलब कि मैं सारे ब्रांड की बात कर रहा हूँ, अब तक किसी ब्रांड ने वो काम नहीं किया था जो हीरो कंपनी ने किया। हीरो कंपनी ने अपनी 125 सीसी के अंदर ABS दे दिया है, मतलब कि और किसी कंपनी ने अभी तक ABS ऑफर नहीं किया था। तो इस बाइक के अंदर आपको ABS मिलेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रीज़न नहीं हो सकता ये परचेज करने का, रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर आप चाहो तो ABS ना भी लेना चाहो तो विदाउट ABS आपको वेरियंट मिलता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब आप मेरे को बताओ कि यार क्या ये रीजन हो सकता है इस बाइक को परचेज करने का। मेरे हिसाब से तो पर्सनली ये रीजन हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको दोनों ऑप्शन मिले। अगर आप नॉन ABS चाहो तो नॉन मिल जाएगा, और ABS चाहो तो ABS मिल जाएगा। ये हुए दो रीजन। तीसरे रीजन की अगर मैं बात करूं, तो वो है फीचर्स। अब कंपनी ने, ऐसा नहीं है कि कंपनी ने खाली लुक दे दिया है तो फीचर नहीं दिए। जाहिर सी बात है, कंपनी ने फीचर भी दिए हैं। फीचर में आपको मिल जाते हैं फुल आगे का LED लाइट सेटअप, यहाँ प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, टर्न इंडिकेटर LED मिल जाएंगे, रियर लाइट भी आपको LED मिल जाएगी। साथ ही इसके अंदर हैजार्ड जैसा फीचर मिलेगा, मतलब कि पार्किंग लाइट भी मिल जाएगी। अब फीचर में तो ये कहीं से कहीं तक कम नहीं है, क्योंकि 125 सीसी के अंदर आपको अभी तक ये फीचर किसी भी बाइक में नहीं मिला था। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, सारी चीज़ें सारी जानकारी डिजिटली देखने के लिए मिलती हैं। तो इतने फीचर्स कम नहीं हो सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि नॉर्मली इंजन, पावर और लुक्स, रियर लुक्स, ये चीज़ें तो हर कंपनी में मिलती हैं, बट मेन चीज़ आती है मीटर के अंदर हैजार्ड जैसा फीचर, इंजन किल स्विच, LED लाइट, ये चीज़ें जो कि कंपनी ने ऑलरेडी ऑफर करी हैं। तो ये तीन चीज़ें हो गई। बात करूँ मैं चौथी चीज़ की, तो चौथी चीज़ ये है इस बाइक की प्राइसिंग। 85,000 में आपको विदाउट ABS वेरियंट मिलेगा, और 99,500 रुपये में आपको मिलेगा ABS वेरिएंट, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कि सिर्फ 1 लाख में आप इसका टॉप वेरिएंट खरीद सकते हो, जो कि नो डाउट पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ पर आपको पांचवी चीज़ जो है, पांचवी चीज़ थोड़ी सी लाइट हो सकती है या फिर थोड़ी कमज़ोर पड़ सकती है, बट मेरे हिसाब से पांचवी चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये भी इस बाइक में है कि मतलब कि इसमें जो टायर है ना, अच्छे खासे साइज के हैं। आगे का तो हालांकि 90x90 का ही है, जो कि आपको और 125 सीसी की बाइक में भी मिल जाएगा, बट पीछे का टायर आपको 120 सेक्शन का देखने के लिए मिलता है। सीरियसली, आपको 120 सेक्शन का ना किसी भी बाइक में टायर नहीं मिला है अब तक भारतीय बाजार में 125 सीसी की बाइक के अंदर। और 120 सेक्शन का टायर ना अभी लास्ट 1 ईयर तक, या फिर मे बी शायद अभी भी, रॉयल इनफील्ड अपनी क्लासिक 350 में यूज़ करता है। अब भी 120 सेक्शन का टायर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको ओनली 125 सीसी के अंदर इतना मोटा सा टायर देखने के लिए मिल जाता है। तो ये पांच रीजंस ऐसे हैं जो आप इस बाइक को लेते समय अपने माइंड में रख सकते हो, और मेरे हिसाब से ये रीजंस काफ़ी हो सकते हैं। बाकी इस बाइक के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी ऐसी हैं जो मैंने और वीडियोज़ में शेयर की हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपका पर्सनल कोई ओपिनियन है या फिर आप पर्सनली कोई अलग से वीडियो चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, हम लेके आ जाएंगे इस बाइक से रिलेटेड वो वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और अगर आप पसंद करते हो
कंपैरिजन वीडियोस, न्यूज रिलेटेड वीडियो तो जरूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस जो होंगे वो इन्हीं चीजों के ऊपर हो जाते हैं। बाकी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।